जिला प्रशासन व नगर निगम की कार्रवाई को उस वक्त रोकना पड़ गया जब एक स्थान पर मकान मालिक ने प्रॉपर्टी के कागज पेश करने की मोहलत मांग ली, तो वहीं दूसरी तरफ मीडिया हाउस के किराएदार कोर्ट से स्टे ले आए। दरअसल यह पूरा मामला जबलपुर का है, जहां नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा माफियाओं व जर्जर भवनों को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस कार्रवाई को उस वक्त रोकना पड़ा जब बेलबाग में माफिया बबलू सोनकर ने अधिकारियों से प्रॉपर्टी के कागज पेश करने की मोहलत मांग ली। इधर रसल चौक स्थित मीडिया हाउस भी टूटने से बच गया। नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता जब मीडिया हाउस को तोड़ने पहुंचा तो वहां किराएदारों ने कोर्ट का स्टे बताकर अतिक्रमण की कार्रवाई को शुरू होने से पहले ही रुकवा दिया। आपको बता दें कि रसल चौक स्थित मीडिया हाउस की बिल्डिंग को जर्जर बताते हुए नगर निगम प्रशासन ने बिल्डिंग मालिक को 7 दिनों का नोटिस दिया था। इस मामले में नगर निगम के अधीक्षक यंत्री अजय शर्मा ने कहा कि मौके पर कार्रवाई के लिए आए थे, लेकिन इनके वकीलों ने कुछ कागजात दिखाए हैं। इस मामले में हमारे वकील व लॉ ऑफिसर कागजात का परीक्षण कर रहे हैं, जिसके बाद निर्णय लिया जाएगा। 11/2020 को नगर निगम द्वारा नोटिस दिया गया था कि ये हमारा जर्जर है, जिसके अगेंस्ट में पिटिशनर ने पिटिशन फाइल की हाईकोर्ट में और उस नोटिस को 13/11 का जो नोटिस उसको चैलेंज किया। हाईकोर्ट ने उसमें यथास्थिति के आदेश दिए थे, उसी के पालन में इनके आदेश की कॉपी इनको कम्युनिकेट कर चुके थे, लेकिन मिसकम्युनिकेशन के कारण ये लोग यहाँ उपस्थित हुए, जिन्हें दिखाया गया कि ये हाईकोर्ट से इसमें यथास्थिति का आदेश है, तो उन्होंने कार्रवाई नहीं किया। वही ये कार्रवाई करने के लिए ही आए। कार्रवाई अभी नहीं होगी, यथास्थिति के आदेश हैं, वो वही अपने आदेश का परिशीलन कर रहे हैं, बोले हम आदेश देख रहे हैं, इसके बाद हम जो भी बताएंगे। वकील AS हुसैन ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट ने यथास्थिति के आदेश दिए हैं। ये अग्निबाण वाले बिल्डिंग में कार्रवाई है और यहाँ मौके पर कार्रवाई के लिए आए थे, उनके वकीलों ने कुछ कागजात दिखाए हैं, उन कागजों पर हमारे वकील और हमारे लॉ सेक्शन के अधिकारी लॉ ऑफिसर ये लोग उनका परीक्षण कर रहे हैं और जैसा भी निर्णय लेंगे उसके मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे। इसके कई सारे मालिक हैं, किसी एक नाम पर नहीं। बहरहाल देखिए तो दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ही आगामी कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, जबलपुर।